दफ़ा तो मीनाल खान ने हद ही कर दी। मीनाल खान एहसन मोहसिन इकराम के साथ स्विमिंग करते हुए, लोग जो मीनाल खान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे, इस दफ़ा मीनाल खान को जब एहसन मोहसिन इकराम के साथ, मीनाल खान के अपने मंगेतर के साथ ये वीडियो दिखाएंगे आपको और साथ ही उनकी खूबसूरत सी तस्वीर दिखाएंगे। मीनाल खान की और एहसन मोहसिन इकराम की ये वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं। नाज़रीन, अमल मुनीब अपने मम्मी पापा और खाला के साथ मरी गई हैं। पहले तो एमन और मुनीब दोनों जाते थे, लेकिन इस दफ़ा दोनों अपने साथ मरी अमल को भी लेकर गए हैं। लेकिन इस बार अमन मुनीब के साथ साथ मीनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम भी मरी गए हैं। इस वीकेंड पर एमन और मुनीब और मीनाल और एहसन मोहसिन इकराम इकट्ठे गए हैं मरी में घूमने और सैर व तफरी करने। वहाँ पर ही एहसन और मीनाल दोनों इंजॉय करते रहे। अमन मुनीब, जो कि एमन और मुनीब के बाद अपनी खाला के पास ही रहती थी, इस दफ़ा उनकी खाला भी साथ आई हैं और अमल मुनीब बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देती हैं। मीनाल खान की इस वीडियो को देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। एहसन मोहसिन इकराम ने मीनाल खान के साथ ये वीडियो शेयर की है। बहुत से लोगों का तो यही कहना है कि मीनाल खान अपने वालिद की वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई हैं और अपने नए मंगेतर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हैं। बहुत से लोग मीनाल खान को ये मशवरा देते दिखाई देते हैं कि एहसन मोहसिन के साथ आप जल्दी से शादी कर लें। लोगों का कहना है कि शादी के बाद मीनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम एक साथ सैर व तफरी भी करें और घूमें फिरें भी और ज़िंदगी को इंजॉय भी करें, जैसा कि एमन खान और मुनीब भट्ट ने किया था। दोनों शादी के बाद ही ज़्यादातर इकट्ठे दिखाई दिए थे। शादी से पहले जब भी एक साथ दिखाई देते थे, बहुत ही डिसेंट अंदाज में दिखाई देते थे। यही वजह है कि एमन खान और मुनीब भट्ट के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोग इस कपल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मीनाल खान के अपने मंगेतर एहसन मोहसिन इकराम के साथ स्विमिंग की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या मीनाल खान को ऐसा करना चाहिए? अपने नए मंगेतर के साथ अपनी तस्वीर और वीडियोस यूज शेयर करनी चाहिए। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।